वेलकम बैक टू डिवाइन तनुषा चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड एंड भगवान की कृपा हम सभी पे बने रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। तो ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं चल रही हूँ नाश्ते की तैयारी में। मैंने ये रात में भिगा लिया था मूंग का दाल, छिलके वाला है ये, आप बिना छिलके वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप मूंग दाल भिगा लिया था रात में और मैंने आज दिया नहीं लगाया है। और उसके बाद मैंने इसमें 2 मिर्ची और 1 इंच अदरक और थोड़ा सा करिया पत्ती डाल लिया है। और इसमें थोड़ा सा मैं 1/2 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून अपना सॉल्ट डाल लूँगी। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। तो आप घर में बनाते हैं कि नहीं मूंग का चीला, ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बनाती हूँ और ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, आप लोग किस अलग ढंग से बनाते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा तेल तवा में ज़्यादा डल गया था तो मैं उसे निकाल रही थी। और उसके बाद मैंने एक एक करके बना लिया अपना चीला। और सबको नाश्ता देने के बाद मैंने ये बाजू में ना तड़का लगा रही थी, मैंने चटनी बनाई थी नारियल की। तो ये देखिए मूंग के चीले के साथ अपना चटनी। सबको नाश्ता देने के बाद फाइनली मैं अपने लिए बना रही हूँ। और मैं पतला पतला नहीं बनाती, एक साथ डाल के बना दिया, इतना प्रोसेसर करने का मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पर हो गया है शानविका का भी तबीयत ख़राब हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे सर्दी और बुखार था, वैसे ही शानविका को भी सर्दी और बुखार आ गया है। मैंने इसे दवाई दिया है और अब दवाई देने के बाद हम जल्दी निकल रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया होगा कि हम लोग अब घर छोड़ने वाले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग घर सर्चिंग कर रहे हैं। तो उसी सर्चिंग के लिए मैं जा रही हूँ। और शानविका पापा के साथ बिल्कुल रह जाती है, बिल्कुल रोती होती नहीं है। देखिए मैं जा भी रही हूँ तो वो बिल्कुल हंसी हंसी मुझे भेज रही थी। वही मैं सोच के हंस रही थी कि चलो ठीक है यार, 1-2 घंटा के लिए छोड़ के मैं जा सकती हूँ उनके पास, लेकिन कितने दिनों के लिए। अब वैकेशंस ओवर होने वाले हैं, आप लोग सभी को पता ही चल गया होगा। तो बस ये देखिए अपार्टमेंट के पास हम लोग पहुँच गए हैं। मैं अभी आपको अपार्टमेंट नहीं शो करूँगी क्योंकि जब हमारा फाइनल हो जाएगा तब शो करना बेटर रहेगा, मेरा ये सोच था। वैसे मैं विजयनगरम के आसपास एरिया में ही ढूंढ रही थी। यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर चूना पानी बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे आपका बकेट वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, वॉशरूम भी उतना नीट एंड क्लीन नहीं रहता और हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी के लिए सर्च कर रहे थे कि यहाँ पर चूना पानी तो नहीं है, कुछ कुछ एरिया में चूना पानी नहीं है, तो वही पूछ रहे थे हम लोग। और मेनली ये भी टारगेट था कि इस बार कबर्ड्स मिल जाए, क्योंकि पिछले बार जल्दी जल्दी में हमने बिना कबर्ड्स के हम उतर गए थे घर में। इस बार यही था कि कबर्ड्स भी रहना चाहिए और सेफ्टी पर्पस के लिए भी देख रहे थे, क्योंकि शानविका अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो सेफ्टी पर्पस के लिए देख रहे थे। वैसे अपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, योगा प्लेसेस, गार्डन वगैरह बहुत अच्छा था। तो देखते हैं फाइनल, 2-4 जगह हम घूमे हैं, देखते हैं फाइनल क्या करने वाले हैं। तो घर आ गई और दोपहर का लंच मैंने प्रिपेयर कर लिया। मैंने बनाया था केला फ्राई और दाल बनाया था और चावल बना लिया था जल्दी जल्दी में। और बस यही इवनिंग में फिर हम लोग निकल गए थे घर सर्चिंग के लिए। उसके बाद फिर घर आने के बाद मैं थोड़ा ऊपर छत में आ गई ठंडा हवा खाने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी। और बारिश होने के बाद शाम में जब बारिश हुई उसके बाद ठंडा हो गया था माहौल। तो देखिए शानविका अब सीढ़ी भी चढ़ ले रही है और मुझे डर लगता है कि कहीं गिर जाएगी, लेकिन ठीक है। उसके बाद मैंने लगा दिया कपड़ा धोने में, क्योंकि पापा अब जैसे कि आप लोग जान ही चुके होंगे वीडियो के स्टार्टिंग में कि वो जाने वाले हैं। तो ये रहा अगला दिन और इस दिन मैं बना रही हूँ मटन बना रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है फ्रेश टू होम ऐप से। तो वैसे मटन और जो भी नॉनवेज अभी तक आइटम मंगाया है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बस चिकन ही मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग थोड़ा बॉईल वगैरह करके भेजते हैं क्या, मतलब टेस्ट थोड़ा अलग आता है। जैसे रेगुलर चिकन से इनके पास का चिकन का टेस्ट अलग आता है, लेकिन मटन वगैरह लैम वगैरह बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस एक मटन करी बना रही थी मैं, तो मैंने डाल लिया सरसों तेल,
पहले की वीडियोस में आप लोग को मैंने बताया होगा कि मैं जब नॉनवेज बनाती हूँ तो थोड़ा सा घी डालती थी, लेकिन अभी सरसों तेल है और सबको सर्दी वगैरह भी है इसलिए मैं सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ। तो सरसों तेल डाल लिया है, इसमें तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक, 4 लौंग, 4 गोल मिर्च, उसके बाद बड़े बड़े कटे हुए मैंने प्याज डाल लिए। प्याज के अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें मटन भी डाल लेंगे और मटन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। देख रहे हैं ना, मेरा प्याज भी अच्छे से भुना गया है। मैं थोड़ा वीडियो स्किप करके दिखाऊंगी वरना लेंदी हो जाएगा वीडियो। और अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए मटन की तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको प्रॉपरली एक वीडियो और कितना अमाउंट ऑफ क्या क्या लगेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूँगी। ओके, फाइनली तो ये चिकन मेरा फ्राई हो, मटन फ्राई हो रहा है और उसके बाद मैंने डाल दिया, क्योंकि अगर मटन अगर आप बना रहे हैं तो पहले ही सॉल्ट ऐड कर लीजिए, तब जल्दी गलता है क्योंकि मटन को पकने में टाइम लगता है। वैसे मैंने फ्रेश टू होम से मंगाया तो इन्होंने चैलेंज किया कि बाहर के मटन से और इनके मटन में 10 से 15 मिनट का डिफरेंस आता है, बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, तो देख लेते हैं। तो ये अब मैंने डाल दिया है, टर्मरिक ऐड कर दिया है, मैंने 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून मैं रेड चिली पाउडर भी डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा अभी धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी लास्ट में, आपको दिखाऊँगी मैं। देखिए मैं अब इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब जितना अच्छा ही आप भूनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आता है, तो थोड़ा मसाला को थोड़ा अच्छे से भूनिए तो बहुत ही टेस्ट। और देखिए मैंने अभी धनिया पाउडर डाल दिया है, ये मैंने करीब करीब 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर डालने से फ्लेवर और स्मेल बहुत अच्छा आता है मटन का। उसके बाद अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटो प्यूरे, मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया है, मैंने आपको बताना भूल गई, तो आप 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिएगा जब आप मटन डालेंगे। थोड़े भूनने के बाद आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको बताना भूल गई। ओके, तो फाइनली ये देखिए मैं अच्छे से इसको फ्राई करूँगी अब टमाटर के साथ। और आप टमाटर प्यूरे भी डाल सकते हैं, नहीं तो रफली चॉप करके डालिए, क्योंकि देखिए कुकर में विजल लगाना है तो बाद में टमाटर गली जाते हैं। तो अब मैंने लास्ट में इसमें ऐड कर लिया थोड़ा सा मीट मसाला, आप घर का बना यूज़ कर सकते हैं, बाहर से भी मिल जाते हैं, एवरेस्ट बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं। अब इसको मैं बंद करके 4 विजल लगा लूँगी और देखिए फाइनल लुक देखिए। और इसमें आप 2 आलू डाल लीजिएगा, 1 विजल होने के बाद 2 आलू डाल लीजिएगा, इससे फ्लेवर अच्छे आते हैं, मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो जब मैं किचन से खाना बना के जब वापस देख रही हूँ बेडरूम में आके, तो शानविका ने पूरे कपड़े उपड़े निकाल दिए थे, जैसे कि मैंने पर्दा लगा हुआ है वहाँ पर कपड़ा रखती हूँ सेल्फ में, वो पूरा निकाल के फेंक दे रही है। तो यही सोच था कि अब नेक्स्ट टाइम जो भी घर बदले तो कबर्ड्स होना ज़रूरी है, और वाटर का जैसे मैंने बताया ना यहाँ का इशू जो चूना पानी रहता है वो ना रहे, यही सोच रहे थे हम लोग, क्योंकि अब मेरा हेयर भी बहुत लॉस हो चुका है। बच्चे को तो चलो हम लोग फिल्टर पानी से नहला दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के नहीं नहला पाएंगे क्योंकि अब बढ़ता बच्चा है, बार बार फिल्टर पानी यूज़ करना ठीक नहीं लगता। और यहाँ पर फैमिली मैन मूवी चल रही है, पापा देख रहे हैं, और आज लास्ट दिन है पापा का यहाँ पर, और यहाँ पर इनका डिस्कशन चल रहा है, आप लोग सुनिए। పిల్లలందరూ తిరిగి చేస్తుంది ఆయన పడుతుంది హీ అంటది అంటది అది కూడా అలాగే నేర్చుకున్నాడు బాగా తిరిగి अम्मा।
सुन लिया ना डिस्कशन। अब मैं आपको जल्दी जल्दी होम टूर भी करा देती हूँ घर का। ये देखिए फ्रंट हॉल है, ये फ्रंट हॉल है, ड्राइंग रूम है ये, ये टीवी, ये सीलिंग भी दी थी यहाँ पर और पेंट वगैरह उन्हीं का था, अच्छा था। बस कबर्ड्स नहीं था घर में, बाकी सब ठीक था। और वही चूना पानी का प्रॉब्लम था। यहाँ पर पूरे स्टॉक रखे हुए हैं मेडिसिन के, तो माइंड मत करिएगा। रूम्स थोड़े छोटे थे बेडरूम के, तो इसलिए मुझे यहाँ पर अपना कबर्ड्स इसी रूम में शिफ्ट करना पड़ा। और ये भी पूरा दवाई और सैनिटाइज़र का ही सामान है, तो इस रूम में बस स्टॉक्स ही रखते हैं, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा 2 BHK लेते हैं हमेशा, क्योंकि सेकेंड रूम का तो ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है। और ये रहा किचन, पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है, क्योंकि अब जब से घर बदलना पता चल गया है तो कुछ सेटिंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी मैंने मेड को भी छुड़वा दिया, सारा काम खुद से करना पड़ रहा है, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। और ये पूजा रूम है, और ये रहा, ये बस ये अपना डाइनिंग प्लस किचन साथ में दिया था, और ये वॉशिंग एरिया है, और प्लस आपको उसी साइड में एक वॉशरूम एक्स्ट्रा दिया गया है। और ये मेरा फाइनल बेडरूम है। उतना स्पेशियस नहीं था जितना पहले हम लोग घर में रह चुके हैं, बहुत स्पेशियस है। यहाँ के घर बहुत छोटे आते हैं, स्पेशियस नहीं है। और ये शानवी का कबर्ड है, मैं इस साइड इसलिए डाल के रखी हूँ ताकि वो डोर खोल खोल के कपड़ा फेंक देती है। और ये एसी है, और उस साइड मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कर्टन्स के पीछे कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड करके, और ये पूरा निकाल के फेंक देती है शानवी का, तो यही इशू आ रहा है। तो अब कबर्ड्स आ जाएंगे तो मैं लॉक करके रख सकूँगी। और ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है, बहुत सारे सामान दिख रहे होंगे लेकिन यूज़ अगर करती नहीं हूँ मैं। और ये अपना वॉशरूम अटैच है इसमें। बस ये हो गया हमारा होम टूर ख़त्म। चलिए लास्ट में फाइनल पापा लेके आ गए हैं, बहुत सारा स्नैक्स लेके आ गए हैं, तो ये उनका चलेगा 1.5 मंथ तो इजीली चलेगा, चले जाएगा, या फिर 2 मंथ चलेगा मेरे हिसाब से। तो बहुत सारे लड्डू वगैरह लेके आ गए हैं, देखते हैं कितने दिन चलता है। तो फाइनली देखिए यहाँ पर आंध्रा के वैरायटीज़ तो जानते ही होंगे आप लोग, नहीं सुने तो यहाँ पर जो मुरकू वगैरह और नारियल के लड्डू बहुत ही स्पेशल रहते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है। यहाँ पर स्पेशली मुरकू वगैरह बनाया जाता है। और हो गया है, पापा के जाने का टाइम हो चुका है। मैं यही सोच रही थी कि शानविका को पापा की इतनी आदत होगी ये कैसे रहेंगे, क्योंकि बार बार गोदी पकड़ना पापा ने बहुत ज़्यादा सिखा दिया, और बाहर घुमाना भी बहुत ज़्यादा सिखा दिया है। तो बस यही सोच सोच के लग रहा था कि अब घर भी बदलना है, काम बहुत सारा बचा हुआ है, पेंडिंग है, बहुत सारा वर्क पेंडिंग है। अब पापा जा रहे हैं, टाइम हो चुका है, बस निकल रहे हैं। शानविका को बहुत सारा प्यार मिल गया है, और बस अब निकल रहे हैं पापा। अब सामान लेके हस्बैंड जाएंगे स्टेशन छोड़ने, और क्योंकि अब वेकेशन इज़ ओवर और 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, और वहाँ का भी बहुत सारा काम पेंडिंग होगा, और मम्मी भी वहाँ अकेली है, तो बस अब निकल गए हैं। और शानविका भी बाहर निकल जा रही, मुझे यही लग रहा था कि शायद वो जाते समय रोए, और देखिए वो सीढ़ी के पास जा रही, उसको लग रहा था कि शायद पापा उसको ऊपर छत पर लेके जा रहे हैं। लेकिन सर जब वो उनको जाते हुए देख रही थी तो बस देखते रह गई, कुछ बोली नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं था। मुझे लगा शायद उसको दुख लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था उसका, बस साइलेंट हो गई थी। और बस वहाँ से पापा बाय बाय कर रहे थे, और शानविका यहाँ से सिर्फ देख रही थी। पता नहीं अब कल क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि बार बार पापा को उस रूम में जाके चेक करती थी रात में भी, बस देख रही है चुपचाप जा रहे हैं ऐसा करके। देखते हैं नेक्स्ट डे उसका क्या रिएक्शन रहेगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी वो भी। और ये देखिए पापा जा रहे हैं, जब आते हैं तो पता नहीं चलता है, जाते समय इतना जल्दी टाइम हो जाता है ऐसा लगता है। बस अब चले गए लिफ्ट नीचे, और मैं भी अब शानविका को लेके अंदर जाऊँगी सोच रही हूँ। देखिए वो बस ऐसी देखती रह गई। मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, क्या बोलूँ, छोड़िए वैसे ये सब छोड़िए। अब देखिए मैं इसको अंदर लेके चल रही हूँ, और ये देखिए सीढ़ी के पास भाग रही है, फिर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए अब मैं इसको अंदर लेके चलती हूँ,
और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमारी पैकेजिंग कैसी रही और शान्विका का नेक्स्ट रिएक्शन कैसा रहा, क्योंकि पापा नहीं है तो देखना पड़ेगा। वो जैसे रूम जाके चेक करती है, पापा को उठाने बोलती है, तो देखेंगे नेक्स्ट डे उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। और उसके बाद हमने कौन सा घर फाइनल किया मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और मैं दिखाऊंगी कि इस बार मतलब जो भी माइंड में थॉट है कि जो कबर्ड्स और ग्रिल्स वगैरह जो भी चाहिए वो सब मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है। फिर से अपने रूटीन में अब लगना होगा, क्योंकि पापा रहते थे तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता था, बहुत सारा हेल्प हो जाता था, लेकिन अब चले जा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।